8वां सेमेस्टर से मैं सबको नमस्ते दोस्तों, आज बनाने वाली हूँ इंडियन स्टाइल में गार्लिक चिकन करी रेसिपी। दोस्तों इस बार वीडियो दो दिन को एक बार है या आप लोग वीडियो में नॉनस्टिक पैन है, चूल्हा जलाऊंगा, नॉनस्टिक पैन बैठाऊंगा। उसके बाद नॉनस्टिक बैठाने के बाद तेल डालूंगा, तेल थोड़ा ज़्यादा चाहिए, जैसे मैं गया 25 ग्राम का तेल डाल दिया। दोस्तों अभी ले लिया मैं रोसुन को, अच्छे पीस वाला लिया, लगभग में 50 ग्राम से रोसुन ले लिया। इसको अच्छे से क्लीन करके वॉश कर लिया था। इसको अपने से एक थोड़ा सा कूट लेके नीचे ऐसा डायरेक्ट डाल सकते, थोड़ा सुनहरी कलर से फ्राई करना है ना, गोल्डन कलर अच्छे थोड़ा फ्राई करना है। फ्राई होने के बाद इसका साथ में प्याज डालूंगा, मैं बारीक का दिन मैंने चॉप ओनियन डाल दिया। ओनियन डाल के अच्छी तरह इसको फ्राई करेंगे, जब तक गोल्डन कलर नहीं हो रहे, मतलब सोनारी कलर होने चाहिए, सोनारी कलर होना चाहिए, तब तक फ्राई करता रहेंगे। दोस्तों और इसे बारीक कटिंग मतलब चॉप गार्लिक थोड़ा डालूंगा इसका बाद। अभी दोनों को अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगा। इसका बाद में डालूंगा चिकन। मैं चिकन लिया 200 ग्राम तक, तो बोन चिकन लिया, छोटा छोटा टुकड़ा में पीस में काट लिया था। इसको अच्छी तरह से, हाँ आप लोग बोलेगा दोस्तों कि मसाला क्यों नहीं ला, वो चिकन का फ्लेवर आने के लिए इसका था डाल के अच्छी तरह से फ्राई करिए। मैं 5 मिनट तक इस तरह से फ्राई करिए। पहले में आएगा टमाटर का चॉप, टमाटर का चॉप डाल दिया, इसका साथ अच्छी तरह से पकाऊंगा। तो टमाटर जब तक गलता नहीं मतलब पकता नहीं तब तक पकाऊंगा इस तरह। दोस्तों टमाटर पकने को आ गया, उसके बाद मसाला डाल दूंगा। दोस्तों पहले मसाला का काश्मीर मिर्च चिल्ली पाउडर थोड़ा लाल होना चाहिए, इसके बाद में थोड़ी सी हल्दी पाउडर, इसके अंदर तीखी मिर्ची पाउडर, थोड़ा चिकन मसाला पाउडर, थोड़ा धनिया पाउडर, इसका मैं थोड़ी सी कुटा हुआ जीरा अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे इस तरह। दोस्तों मसाला अच्छी तरह भून गया, इसको पानी थोड़ा डालेंगे, 1 कप पानी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद में डालेंगे 7 चम्मच नमक, इसको नीचे मेजरमेंट कर लूँगा। इसको 10 मिनट पकाऊंगा चिकन पकने के लिए, मैं ढक्कन डाल दूँगा। दोस्तों ढक्कन खोलूँगा, दोस्तों बहुत बेहतर खुशबू है, ढक्कन थोड़ा टाइट कर देंगे, बहुत बेहतर खुशबू है। जब अगर हरी का खुशबू आया और चिकन और पक गया आराम से, उसके बाद में थोड़ा ऊपर से धनिया पत्ता डाल के चूल्हा बंद करके निकाल देंगे, थोड़ी सी गर्म मसाला डाल देंगे, कदमा अच्छी तरह मिक्सिंग करेंगे, बढ़िया धनिया पत्ता डालेंगे, थोड़ी सी धनिया पत्ता अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, चूल्हा बंद करेंगे, साफ करके आप लोग को दिखाऊंगा। साफ कर रहा हूँ छोटा एक कढ़ाई में, देखिए बहुत खुशबू है, मजेदार रोशन वो देखने को मिल रहा है, ऑलरेडी रोशन पक गया, इसका जो फ्लावर आ रहा है क्या बताऊँ दोस्तों। आप लोग ट्रायल करिए बनाए और दूसरे को शेयर कर दीजिए, बेल आइकन दबाए इस तरह से वीडियो अपलोड करो, आप लोग को पास मोटिफी मिल जाएगा। तो दोस्तों जैसे बहुत बेहतर हो गया, ऊपर से थोड़ा गार्लिक गार्निश के लिए डाल रहे हैं चॉप गार्निश। दोस्तों